ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं वो हैं रुद्र पशुपति, जिन्हें तमिल में रुद्र पशुपतियार या रुद्र पशुपति नयनार के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि जो रुद्र अध्याय है वेदों का वो सारभूत है। रुद्र अध्याय वेदों का हृदय है। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं लेकिन रुद्र अध्याय से विमुख हैं वो व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा रहे हैं। एक ब्राह्मण के लिए रुद्र अध्याय मुक्ति का सबसे बढ़िया उपाय बताया गया है। रुद्र अध्याय से महापातकों का भी नाश हो जाता है और रुद्र अध्याय जपने वाले का कभी गर्भवास दोबारा नहीं होता है। जो सद्योजात आदि पंच जो मंत्र हैं उनसे अभिमंत्रित भस्म को धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है और रुद्र अध्याय का जप करता है, उसके दर्शन मात्र से भी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर अवस्था में पूजनीय होता है। ऐसे ब्राह्मण को सदा प्रणाम करना चाहिए जो रुद्र अध्याय का जप करता है, भस्म धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है। वो हमेशा सम्माननीय होता है और ब्रह्मा आदि द्वारा भी सम्मान प्राप्त करता है। इसी विषय में आज की एक कथा है। पवित्र कावेरी नदी के किनारे एक श्रीकला नामक नगर है जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुतल्लेयूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए जो वेदों के जानकार थे। फिर उन्होंने आगमों का भी अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि शिव पूजा सर्वश्रेष्ठ है। वो रुद्र अध्याय द्वारा भगवान शिव की पूजा करते थे, कावेरी में स्नान करते, अग्निहोत्र करते और रुद्र मंत्रों द्वारा भगवान शिव की पूजा पुष्प अर्चन करते थे, लिंग अर्चन करते थे। वो कावेरी नदी में जब स्नान करते तो अपने कंठ तक पानी में खड़े हो जाते, गले तक के पानी में खड़े हो जाते और रुद्र अध्याय गाते थे। उस पानी में खड़े होकर के वो रुद्र अध्याय का गायन, जल में खड़े होकर के जब वो रुद्र अध्याय का जप करते थे तो 3 योजन के अंतर्गत उस आवाज को, उस रुद्र अध्याय को कोई भूत प्रेत सुन लेता था तो उसी समय वो उस नीच योनि का त्याग कर देता था। इतना ज्यादा प्रभाव उनके द्वारा गाए हुए रुद्र अध्याय का था। ये सब महात्म्य देखते हुए वहां पर उपस्थित सिद्ध गणों ने और तपस्वियों ने उस ब्राह्मण का नाम रुद्र पशुपति रख दिया। वैसे जल में खड़े होकर के यदि कोई जप करता है तो उसे निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब वो रुद्र पशुपति शुद्ध द्रोण पुष्पों से, बिलपत्रों से, चावल, तिल और कमल से रुद्र मंत्रों द्वारा भगवान शिव की पूजा करते थे। फिर उन्हें जो अष्ट सिद्धियां थी वो तुच्छ प्रतीत होती थी, वो केवल भगवान शिव की पूजा में ही लगे रहते थे। और फिर उन्होंने अपने पुत्रों और शिष्यों को रुद्र महात्म में समझाया और अंत समय में भी वो शिव सायुज्य प्राप्त करते समय भी वो सस्वर जल में खड़े होकर के रुद्र पाठ कर रहे थे, रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने वो गति प्राप्त की जो योगियों को भी दुर्लभ होती है। भगवान शिव की कृपा से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई।